एक सिफत जिसकी मैंने जामियत है कि अंदर जामियत पैदा करो। जामियत का मतलब यह है कि दीन के किसी शोबे का इनकार, उसकी तहकीर, उसकी हफाजियत को बेफायदा समझना या कम समझना, ये सबसे बड़ी कोताही है, सबसे बड़ी गलती है। ये दीन के शोबे तो मतलूब है, इल्म फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है, तो इल्म से नफरत नहीं की जा सकती, हराम है इल्म से नफरत करना। नमाज की तरह हराम है, इसे नमाज को हल्का समझना हराम है, इस तरह इल्म को हल्का समझना हराम है, कुफ्र है। सुनो, कुफ्र है, कुफ्र। इल्म को हल्का समझना कुफ्र है, इसे नमाज को हल्का समझना कुफ्र है। मैंने सखफा और जहद फकत कफर, के नमाज को हल्का समझना और नमाज का इनकार करना कुफ्र है। कि बिल्कुल इसी तरह इल्म को हल्का समझना और इसका इनकार करना कुफ्र है। दीन के सारे शोबे मतलूब हैं। जामियत पैदा करो अपने अंदर, क्या पैदा करो? जामियत, इज्तिमाईयत और जामियत दो चीजें जरूरी है। इज्तिमाईयत का काम आज की है, अरे जामियत क्या है? जामियत के दीन के सारे शोबे मतलूब हैं। दावत मेहनत है और शोबे उसकी आमदनी है। दीन के शोबे उसकी अपनी आमदनी से नफरत करता है? बोलो तो सही नहीं, ये सो रहे अपनी आमदनी से नफरत करता है कोई? अपनी आमदनी से कोई नफरत करता है? लोग दिल से लगा रखते हैं मेरी खून पसीने की कमाई है। ये सारे दीन के शोबे मेहनत का समरा है, मेहनत का नतीजा है। इनसे तो ज्यादा मोहब्बत करो, इनसे ज्यादा मोहब्बत करो। यहाँ के दावत और तालीम और तजकिया, ये सब कैसे नबूवत के काम है, ये सब कैसे नबूवत के काम है। तो नबी का एक काम जिसे काम में मारे हो नहीं सकता, ये तो जाहिलाना बात है कि नबी दो चीजें लेकर आने, दावत और तालीम, और एक को दूसरे को मुखालिफ समझे जा रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि नबी के राय में दो काम और एक दूसरे को एक दूसरे को मुखालिफ हो, ये तो हो नहीं सकता। कि तालीम है, तजकिया है, तसनीफ है, तालीफ है, बहुत दिन के शोबे हैं। ये सारे शोबे दावत से मतलूब है। फिर दावत किस चीज की है अगर ये नहीं है तो? देखो याद रखना भाई बात, कि इल्म के बगैर किसी काम में इस्तेमाल नहीं है, ना इबादत में, ना दावत में, ना किसी में नहीं। इल्म के बगैर किसी काम में इस्तेमाल नहीं है, और इल्म के बगैर कोई काम अल्लाह का मकबूल भी नहीं है। ये भी याद रखना, इल्म के बगैर कोई अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल भी नहीं है, क्योंकि इल्म के बगैर उस अमल की सेहत का फैसला नहीं हो सकता। इल्म जब रहेगा, क्या इल्म दलील है, रहबर है। मुझे ऐसा फरमाते थे कि जाहिल सूफिया को शैतान अपना आरायकार बनाता है। सूफिया कौन? जाहिल, सुनाई बात, बड़े बड़े सूफी हैं, बड़े बड़े जाकिर, बड़े बड़े सूफी, दो के पीछे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुन मेरी बात गौर से, सोना मत। के जिक्र काफी नहीं है इल्म के बगैर, बिल्कुल नहीं। चाहे वो कितना भी अल्लाह वाला हो, अल्लाह वाला किसे कहते हैं? कि अल्लाह वाला आलिम को कहते हैं। अल्लाह वाले किसे कहते हैं? आलिम को। बिल्कुल याद रखना हमारी बात, अल्लाह वाले किसे कहते हैं? आलिम को। अल्लाह ने तो उलमा को अहले जिक्र फरमाया है। इनको यहाँ सूफिया को नहीं बल्कि उलमा को, यहाँ उलमा को फरमाया कि यह है अहले जिक्र। जिक्र फरमाने नहीं अहले जिक्र, बल्कि उलमा अहले जिक्र। सुना तो अहले जिक्र जिक्र करने वाला कहते हैं जो सिर्फ जिक्र करे और कुछ ना करे। देखो नहीं, वो अहले जिक्र है, बिल्कुल नहीं।
कि अल्लाह ने तो अहले ज़िक्र को फरमाया, उलमा को फरमाया, फसलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, या पूछो उलमा से, वो है अहले ज़िक्र। वजह से मज़हब में है कि जाहिल सूफिया को शैतान अपना आलायकार बना लेता है। लोगों को गुमराह करने के लिए शैतान किस किस इस्तेमाल करेगा, जाहिल सूफिया को। जी हाँ, हमारे मतलब हमारे माहौल में ऐसी कमी है, क्या इल्म की क्या जरूरत है। और ये तो ऐसे ऐसे बयान करने वाले मिलेंगे कि देखो जी तबलीग में लगे थे, फिर इल्म में चले गए। जाहिल मुबल्लिग नहीं है, कौन है जाहिल मुबल्लिग? ये है, सारी खराबी इनसे पैदा होगी, सारी खराबी इनसे पैदा होगी। जाहिल मुबल्लिग ये देखो तो सही तबलीग में लगे थे, तार लगाया फिर पढ़ाने में मशगूल हो गए। खैर को मन तालम कुरान वालम हो तहदीज है, और ये क्या है कि इनके यहाँ इस्तेफाज से कहते हैं कि कोई काम ना करो सिवाय तबलीग से। क्या बात नहीं कि दावत और तालीम को तो जमा करना है, दावत तालीम को जमा करना है, कि दावत के बगैर इल्म फैलेगा नहीं, दावत के बगैर इल्म फैलेगा नहीं। जी हाँ, दावत के बगैर इल्म फैलेगा नहीं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि दावत के बगैर इल्म नहीं फैलेगा। दावत के बगैर इल्म उलमा के दरमियान रहेगा। मुझे ऐसा समझने का नतीजा जाता है, हर जमात में एक मौलवी या कारी हो, हर जमात में, ताकि इल्म और कुरान फैले, इल्म और कुरान फैले, कि ये इल्म और कुरान में लेकर फिरे। लेकिन ये बात नहीं है कि लोग ये तो नहीं तो पढ़ाने में लग गए, कि दावत तालीम में कोई फर्क नहीं है, जाकर सिखाना तबलीग है, आने वालों को सिखाना तालीम है। अल्लाह के नबी और आपके सहाबा का दोनों, इनके दोनों काम थे, तबलीग भी और तबलीग भी और तालीम भी, और तकसीम भी नहीं था कि भाई ये तबलीग वाले हैं ये तालीम वाले हैं, ये भी बात हमारी याद रखियो। सहाबा तकसीम नहीं, देखो ये तालीम वाले और ये तबलीग वाले, बिल्कुल नहीं। 100% सहाबा तबलीग वाले, चाहे वह आलिम थे या गैर आलिम थे, जो थोड़ा जानते थे वो भी तबलीग में, जो ज्यादा जानते थे वो भी तबलीग में, मालिक ने जगह लगी है अल्लाह तआला, वो भी हरकत में, वो भी हरकत में है अपने इल्म को लेकर, क्या इल्म से फैलता है, इल्म दावत को लेकर फिरो, वो नए इल्म के दरमियान महसूस हो जाएगा। जिनमें तलब है वो सीखेंगे, जिनमें तलब नहीं है वो अक्सरियत होगी, वो अक्सरियत होगी। जी